नमस्कार दोस्तों, आपनो स्वागत छे। आप जोई रहया छो मन मंदिर पूजन भंडार प्रस्तुत धर्म दर्शन। प्रगटेश्वर हि नाथो मे, शंकराचार्य मे पिता, माता मे भगवद गीता, धन्योहम विभुरात्मना। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आप सब जानते ही हैं कि आज गीता जयंती है। मार्गशीर्ष मास एकादशी तिथि अति पवित्र दिन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो। सभी मासों में से मैं मार्गशीर्ष मास हूं, ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा है। तो आज गीता जयंती है। ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि आज गीता जयंती है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होंगे कि उनको गीता जी के रहस्य के बारे में पता होगा। तो गीता जी 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह शास्त्र दर्शन शास्त्र कहा था। अर्जुन को माध्यम बनाते हुए पूरे संसार को गीता का बोध दिया था। तभी से कहा गया है वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर अमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है कि जिसके पास से हम कुछ बोध लेते हैं तो वह हमारे गुरु। तो भगवान कृष्ण कैसे हमारे गुरु हुए? तब यह उत्तर है कि अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान ने न केवल अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन हम सबको यह ज्ञान दिया है। और गीता का पाठ करने से क्या होता है, तो विविध प्रकार की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गीता जी का कुछ सामान्य परिचय हो जाए। गीता जी में 18 अध्याय है, जो क्रमशः ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन भागों में विभाजित है। और 700 श्लोकों में गीता जी कही गई है। गीता का पाठ कौन कर सकता है, उसका फल क्या होता है? तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि मामहि वापार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास तेपि यान्ति परामृति। कि हे पार्थ, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, जो कोई भी मेरे शरण में आता है, जो कोई भी मेरा शरण ग्रहण करता है, चाहे वो कोई भी हो, निम्न जाति का हो, निम्न जाति में पैदा हुआ हो, या उच्च जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, जो कोई मेरे शरण में आता है, जो कोई गीता का पाठ करता है, वह पुण्यशाली आत्मा परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए जो कोई भी गीता का पाठ करना चाहता है वो कर सकता है। और यह धर्म ग्रंथ न केवल हिंदुओं के लिए, लेकिन सभी धर्म के लोगों के लिए यह ग्रंथ कल्याणकारी है। संपूर्ण गीता में हिंदू शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन सब लोग विभिन्न प्रकार से विभाजित करते हैं कि यह हिंदू का ग्रंथ है, इसलिए हिंदू भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने से सभी लोगों का कल्याण होता है। पूरी मानव जाति के लिए यह गीता कल्याणकारी है। तो
गीता का पाठ करने से क्या होता है, गीता क्या है? तो शास्त्र में कहा गया है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम, कि अगर हमारा शरीर हमें स्वच्छ रखना हो तो हम जल से स्नान करते हैं। हमें अगर हमारा शरीर को स्वच्छ रखना हो तो हम जल से स्नान करते हैं। वैसे ही अगर हम गीता रूपी अमृत से, गीता गंगा से स्नान करें, गीता ज्ञान गंगा से स्नान करें, तो जो संसार के मल है, जो मलिन तत्व है, वो हर हमेशा हमसे दूर रहते हैं और हम परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा है कि यह गीता पाठ करने से सभी का कल्याण होता है। अगर हमें जिंदगी में भी कोई भी संशय होता है तो हम गीता पुस्तक खोले, दो पन्ने हमारे सामने आएंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, उसमें से अगर हमें कोई भी शंका हो जीवन में कभी भी, तो हमारा शंका का उत्तर उस दो पन्ने में से, एक संपूर्ण हम दो पन्ने पढ़ जाएंगे, उस शंका का उत्तर उसी में होगा। तो गीता का सबसे पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सममेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह गीता का पहला श्लोक है, उसका सबसे पहला शब्द है धर्म, ध्यान दीजिएगा। और अंतिम गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवाणि तिर्मतिर् मम। अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम। तो धर्म और मम, इसी दो शब्द के बीच संपूर्ण गीता ज्ञान आ जाता है। तो भगवान ने गीता कही है तो भगवान हमें संकेत देते हैं कि धर्म मम, धर्म उनका है। धर्म शब्द बहुत ही विशाल है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन धर्म शब्द बहुत ही विशाल है, संस्कृत साहित्य में बहुत ही बृहद शब्द है। तो धर्म भगवान कृष्ण का है, भगवान ने जो कुछ भी गीता में कहा है वह धर्म है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम धर्म की रक्षा करें। प्रचलित अभी काल में हम देखें तो धर्म की हानि हो रही है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम धर्म की रक्षा करें। तो कैसे रक्षा करें? तो गीता जी का पाठ करें, गीता जी में जो ज्ञान है हम सभी को दे, हमारे संबंधियों को, हमारे मित्र को, सभी को जागृत करें गीता प्रति। न केवल गीता प्रति, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे पुराण है, बहुत सारे उपनिषदों है, सभी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लेंगे और जितना हो सके उतना मित्र को, सगा और संबंधियों को, सभी को हम जितना हो सके यथाशक्ति हम धर्म की रक्षा के लिए हम उनको ज्ञान परोसे। तो सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी श्रोतागणों को। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ शंका भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर धर्म के कुछ आपकी आपके पास जानकारी भी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सभी को जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। मन मंदिर पूजन भंडार नवसारी में धार्मिक चीज वस्तुओं खरीदवानू एकमात्र विश्वसनीय स्थल, ज्या एक ज छत में तमने मिली सके छे धर्मनी विविध वस्तुओं, जेवी के पूजापानो सामान,
આ ઉપરાંત પૂજાના વાસનો, દેવદેવીઓની મૂર્તિઓ, ફોટાઓ, શિવલિંગ, વિવિધ પ્રકારના રુદ્રાક્ષો, જપમારાઓ, પ્રભુના ઉપવસ્ત્રો અને વાગાઓ, સાથે સાથે તમામ પ્રકારના યંત્રો, મંદિરો માટે પૂજન સામગ્રી, ધાર્મિક પુસ્તકો, આ ઉપરાંત ઘરમાં રાખી શકાય એવા કલાત્મક મંદિરો, સુખ સમૃદ્ધિ અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરવા માટેની અલભ્ય વસ્તુઓ સહિતની તમામ ચીજો મેળવવાનું એકમાત્ર ભરોસાપાત્ર સ્થળ એટલે મન મંદિર પૂજન ભંડાર, ગોલવાડ ગેટથી ચાંદની ચોક જતા માર્ગ પર.